हेलो फ्रेंड्स, अनुराधा दिस साइड। इस ट्यूटोरियल में हम स्टडी करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अजाइल एंड वाटरफॉल मॉडल साइकिल, और ये भी स्टडी करेंगे कि जब हम एक सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करते हैं या डेवलप करते हैं, कब हमें लगता है कि अजाइल अप्रोच को फॉलो करना है और वाटरफॉल मॉडल साइकिल को फॉलो करना है। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज अजाइल एंड व्हाट इज वाटरफॉल मॉडल साइकिल, हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको ओवरव्यू लेंगे ताकि आपको जितने भी इसके डिफरेंसेज हैं हम आगे डिस्कस करेंगे वो ईजिली समझ में आ जाएँ। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज अजाइल के साथ। यहाँ पे जो वर्ड लिखा है अजाइल, इसका एक्चुअली मतलब होता क्या है? इसका मतलब होता है बहुत ही जल्दी या बहुत ही स्मार्टली किसी भी अनसर्टेनिटी को हैंडल करना। जब भी हम एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसमें नंबर ऑफ टाइम हमारे पास अनसर्टेनिटीज आते ही आते हैं। इफ यू विल टॉक अबाउट यू नो एजुकेशन सिस्टम प्रोडक्ट है या हमारे पास कोई गवर्नमेंट प्रोडक्ट है, समटाइम्स क्लाइंट्स आर नॉट श्योर व्हाट दे वांट एग्जैक्टली। जब उनको एक सॉफ्टवेयर बन के दिया जाता है उसके बाद उनको लगता है नहीं यहाँ पे ये चीज़ नहीं, इसको ऐसे होना चाहिए था, उस टाइम पे उस अनसर्टेनिटी को हैंडल करते हैं अजाइल अप्रोचेस। बेसिकली जितने भी आज की बात करें सॉफ्टवेयर डिज़ाइन होते हैं वो सब डिज़ाइन होते हैं अजाइल के साथ। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है प्रोडक्ट बग फ्री होता है, और दूसरा बेनिफिट ये है इसमें क्लाइंट की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा रहती है। बेसिकली अजाइल जो अप्रोच फॉलो करता है That can divide a whole project into small sprints. और जब एक sprint complete हो जाती है हम client को test करने के लिए भेजते हैं, client उसको देखता है, जो भी उसको लगता है यहाँ पे ये add होना चाहिए या ये वाला feature remove कर दो, तो वो उस sprint के अंदर ही complete कर लिया जाता है। So, और agile कोई methodology नहीं है और ना ही agile कोई framework है। Agile is basically a set of principle and values. जब भी हमारे पास एक software आता है उसको ए टू जेड पूरा देखा जाता है, उसके बाद स्प्रिंट्स बनाई जाती हैं और स्प्रिंट्स क्लाइंट के साथ उसके इन्वॉल्वमेंट के साथ डेवलपर और टेस्टर उस पर्टिकुलर चीज को स्प्रिंट को कंप्लीट करते हैं और एज इट इज सो ऑन प्रोसेस चलता रहता है। बट व्हाट इज वाटरफॉल मॉडल साइकिल, इट इज अ वन ऑफ इजिएस्ट मॉडल टू मैनेज बिकॉज ऑफ इट्स नेचर ईच फेस हैज अ स्पेसिफिक डिलीवरेबल एंड रिव्यू प्रोसेसेस। फ्रेंड्स, वाटरफॉल मॉडल साइकिल हमने लास्ट ट्यूटोरियल में डिस्कस किया है कि वाटरफॉल मॉडल साइकिल क्या होता है, कहाँ पे यूज होता है और किन प्रोडक्ट के लिए हम यूज करते हैं। बेसिकली यहाँ पे बता देते हो थोड़ा सा, जो वाटरफॉल मॉडल साइकिल है वो एक सिक्वेंशियली अप्रोच को फॉलो करता है। सिक्वेंशियली का मतलब जब हमारा एक फेज चल रहा है, सेकेंड फेज तभी स्टार्ट होगा जब फर्स्ट फेज कम्प्लीट हो जाएगा। अगर हम बिजनेस एनालिस्ट उसको रिक्वायरमेंट गैदर कर रहा है तो इसका डजंट मीन कि हम उसका डिज़ाइन बनाना स्टार्ट कर दें। अगर डिज़ाइन बन रहा है इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट कर दें। मतलब सिंपल एंड सिंपल, जब तक एक फेज अपना काम कर रहा है द रेस्ट फेजेज आर इन आइडल मोड, वो अपना काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि जब हम एक सॉफ्टवेयर वाटरफॉल मोटरसाइकिल के साथ बनाते हैं तो अगर फर्स्ट फेज अपना काम कर रहा है तो बाकी के फेजेस कोई काम नहीं कर सकते उसमें, और ये सिक्वेंशियल अप्रोच को फॉलो करता है। आई होप यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा अजाइल क्या करता है। इसमें स्प्रिंट चलती है, हम इसको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में अच्छे से डिफाइन करेंगे बिकॉज अजाइल अपने आप में बहुत बड़ा एक अप्रोच है, उसको हम पूरा डिफाइन करेंगे। स्प्रिंट क्या होती है, कैसे बनती है, स्क्रम क्या होती है, वो सब हम अगले ट्यूटोरियल में डिफाइन करेंगे। नाउ स्टार्ट विद द difference between agile and waterfall model cycle. Agile, it separates the project development life cycle into sprint. जब हमारा product बनना start होता है हम उसको sprint में divide करते हैं जैसे मैंने last slide में बताया, लेकिन waterfall model cycle उसको phases में divide करता है, first phase, second phase, third phase, और जब तक first phase complete नहीं होता second तो start बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इट फॉलो अ इंक्रीमेंटल अप्रोच, जो अजाइल फॉलो करता है वो इंक्रीमेंटल अप्रोच फॉलो करता है, लेकिन जो वाटरफॉल मॉडल साइकिल है वो सिक्वेंशियल फॉलो करता है। सिक्वेंशियल का मतलब जब तक हमारा एक फेज चल रहा है सेकेंड स्टार्ट नहीं हो सकता, दैट इज मेन बाय दैट इज नोन बाय द सिक्वेंशियल डिजाइन। अजाइल मेथोडोलॉजी ऑल्सो नोन एज द फ्लेक्सीबिलिटी। फ्लेक्सीबिलिटी का मतलब क्या है, क्लाइंट बोल दिया मुझे यहाँ पे ये चीज ऐड कर दो, हम फट से ऐड कर देते हैं उसको यू नो विदाउट एनी प्रॉब्लम। बट अगर वाटरफॉल मॉडल साइकिल में क्लाइंट ने बता दिया कि मुझे यहाँ पे ये चीज चाहिए और इसको बनाना है, हम उस पर्टिकुलर फेज में जाके उसको स्टार्ट नहीं कर सकते, उसके लिए मुझे फिर से ए टू जेड पूरा का पूरा ही एक बार जो इसकी मेथोडोलॉजी है उसके साथ ही चलना पड़ेगा। मतलब पहले बिजनेस एनालिस्ट, फिर डिजाइन, फिर डेवलपमेंट, फिर कोड एंड सो ऑन, सो ये प्रोसेस ऐसे चलता है। इन अजाइल टेस्टिंग वन
And in iteration and particular feature to the product is delivered to the customer that we have discussed in the last slide as well. जब हमारा एक iteration complete हो जाता है, एक sprint complete हो जाता है that has been delivered to the customer and customer उसको अपने एक पे चेक करता है, उसको जो change करवाना है वो करवा लेता है, that's so on so ऐसे चलता रहता है. But waterfall model cycle में ऐसा कुछ भी नहीं होता. 100% client से हम समझते हैं, 100% बनाते हैं, फिर 100% deliver कर देते हैं. ये रहता है इसमें सबसे बड़ा issue यही है कि हम क्लाइंट के साथ उस चीज को टेस्ट कर ही नहीं सकते. और टेस्टर एंड डेवलपर वर्क टुगेदर. अजाइल और अजाइल में क्या होता है, टेस्टर और डेवलपर इकट्ठा काम करते हैं, लेकिन वॉटरफॉल मॉडल साइकिल सिक्वेंशियल अप्रोच फॉलो करता है. जब तक डेवलपमेंट स्टार्ट अपनी एंड नहीं होती, तब तक टेस्टर अपना काम कर ही नहीं सकते. एट द एंड ऑफ एवरी स्प्रिंट यूजर एक्सेप्टेंस इज परफॉर्म्ड. जब हमारी एक स्प्रिंट कंप्लीट हो गई, हम यूजर को भेजते हैं, वो उसको टेस्ट परफॉर्म करते हैं. User acceptance is performed at the end of the project. User acceptance इसमें भी होती है, लेकिन जब हमारा पूरा project complete हो गया. लेकिन इसमें कब होती है, जब हमारी एक sprint complete हो गई. Friends, बहुत बड़ा difference है sprint और phase में, इसमें बिल्कुल confused नहीं होना. Sprint होती है जब हम एक 100% project को नहीं, हम 10-10 करके उस project को complete करते हैं. 10% complete कर दिया, फिर client को दिखाया, उसने check किया, फिर 10% complete किया, इस तरह से चलता है. लेकिन जो हमारा वॉटरफॉल मॉडल साइकिल है वो फेजेस के ऊपर चलता है. जब तक हमारा एक फेज कंप्लीट नहीं होता, दूसरे फेज में हम नहीं जाते हैं. नाउ डेवलपमेंटेशन प्रोसेस इज आइटरेटिव एंड ऑब्जेक्ट इज एग्जीक्यूट प्रोजेक्ट इज एग्जीक्यूटेड इन अ शॉर्ट 2 to 4 week आइटरेशन. प्लानिंग इज वेरी लेस. इसमें हमारी ज्यादा प्लानिंग की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि क्लाइंट की इन्वॉल्वमेंट हाई रहती है. लेकिन वॉटरफॉल मॉडल साइकिल में क्लाइंट की इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए हम उस पर पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को समझ लेते हैं. डॉक्यूमेंटेशन कंसीडर इज द लेस प्रायोरिटी. इसमें डॉक्यूमेंटेशन कम होती है, इसमें डॉक्यूमेंटेशन टॉप प्रायोरिटी. इसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी डॉक्यूमेंटेशन की ही होती है. उसके बाद स्टाफ को बताया जाता है इसमें ये करना है, इसमें ये करना है. लास्ट एवरी आइट्रेशन हैज इट्स ओन टेस्टिंग फेज. जब स्प्रिंट बन रही है, आइट्रेशन की अपनी ही टेस्टिंग होती है. इट अलो इम्प्लीमेंटेशन रिग्रेशन टेस्टिंग एवरी टाइम न्यू फंक्शनल लॉजिक आर रिलीज्ड. उसके बाद जब हमने क्लाइंट को दिखाया, उसने कुछ चेंजेस बोल दिए, वो इंप्लीमेंट करने के बाद एज सो ऑन चलता रहता है ओनली. बट वॉटरफॉल मॉडल साइकिल तो ये बिल्कुल भी अलो नहीं करता. वो क्या बोलता है कि जब पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही टेस्ट करना है, उसके बाद ही क्लाइंट को डिलीवर करना है. अजाइल मोड इज कंसीडर अनस्ट्रक्चर कम्पेयर टू द वॉटरफॉल मॉडल साइकिल. अनस्ट्रक्चर क्यों है, बिकॉज हम इसमें स्प्रिंट्स बना देते हैं. लेकिन जो वॉटरफॉल मॉडल साइकिल आर मोर सिक्योर बिकॉज दे आर सो प्लान्ड एंड ओरिएंटेड. एरर कैन बी फिक्स्ड इन द मिडल ऑफ द प्रोजेक्ट. स्प्रिंट दी, क्लाइंट ने बोला ये एरर है, तो सोन हमने उसको कंप्लीट कर लिया. लेकिन वॉटरफॉल मॉडल साइकिल में क्या है, ओनली एट द एंड द होल प्रोडक्ट इज टेस्टेड. इफ रिक्वायरमेंट एरर इज फाउंड और एनी अदर चेंजेस हैव टू बी मेड द प्रोडक्ट प्रोजेक्ट हैज टू बी स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग. अगर उसमें कहीं हमें एरर दिख गई, जब टेस्टर उसको टेस्ट कर रहे हैं, उसको कहीं एरर दिख गई, तो ऐसा नहीं है कि वो डेवलपमेंट फेज में जाके सीधा हम करना स्टार्ट कर देंगे. नहीं, वो फिर से ऊपर से चलता है, ए टू जेड पूरा का पूरा प्रोसेस फॉलो होता है. सो फ्रेंड्स, ये था हमारा डिफरेंस वॉटरफॉल मॉडल साइकिल और अजाइल के बीच में. बेसिकली अजाइल एक न्यू अप्रोच है प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो हम आज के इरा में यूज कर रहे हैं, लेकिन वॉटरफॉल अप्रोच है वो बहुत ओल्ड अप्रोच है. सिंपल प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज करते हैं, वो जो बड़े लेवल के प्रोजेक्ट होते हैं उसमें बिल्कुल भी नहीं बनाया जाता, बिकॉज हर बार क्लाइंट रिक्वायरमेंट चेंज करता है. कितनी बार हम उसको ए टू जेड बनाते रहेंगे, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, यू नो, इट्स टोटली वेस्टेज ऑफ टाइम एज वेल. वी विल बिल्ड यू नो मेजर प्रोडक्ट और लार्ज साइज प्रोडक्ट इनटू द वॉटरफॉल मॉडल साइकिल. सो आई जस्ट होप अभी आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम मिलेंगे अजाइल मॉडल के साथ. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल. प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट. बाय बाय.